হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি ফাদিনী হাসান এবং আপনারা দেখছেন ফাদিস রিয়াকশন। আমাদের এই দক্ষিণ এশিয়ায় মানুষ সবচেয়ে বেশি বোকা হয় খুব তাড়াতাড়ি। কারণ কি, বিভিন্ন ধরনের ওঝা কবিরাজ এদের উপর আমাদের বিশ্বাস অনেক। কারণ অনেক পুরাণ সভ্যতা, কবিরাজ শিক্ষা কিন্তু পৃথিবীতে সবচেয়ে পুরাণ একটা, মানে বলবো চিকিৎসা ব্যবস্থা। এক আমলে কবিরাজরাই কিন্তু চিকিৎসা করতো। আস্তে আস্তে মডার্ন হয়েছে, মানুষ বুঝতে শিখছে, কিন্তু এই বর্তমানে শিক্ষিত যুগেও কিন্তু মানুষ বোকা হচ্ছে দিন বেদিন খুবই সহজে। তে সেই বাবা, ভারতে তাদেরকে বাবা বলে, বাংলাদেশে কবিরাজ বলে। আপনারা দেখবেন অবশ্যই রাস্তার মধ্যে পোস্টার লাগানো, এই কবিরাজ ওই কবিরাজ, কাজ হইলে টাকা নেওয়া হয়, এটা নেওয়া হয়, এটা নেওয়া। সেইটা নিয়ে আজকে একটা ভিডিও রিয়াক্ট, বাংলাদেশে না ইন্ডিয়ান বিভিন্ন বাবা সম্পর্কে। তো চলুন, ফানিয়েস্ট বাবাস অফ ইন্ডিয়া, তো ভিডিও শুরু করে স্টার্ট। আমার পাশে এক সব রোড জিতা ভি ফিগর হিসা তো ইয়ে দরবার কা পয়সা ইয়া হামারা পয়সা কে লিজিয়ে। আপ দূসরে লফজো মে কে লিজিয়ে, স্পষ্ট লফজো মে কে লিজিয়ে, আপনে ভক্তো কে ভেজে হুয়ে পয়সে পর জো হ্যায়, ক্যোঁকি উস পর অধিকার হামারা হ্যায়। विशाल मंदिर बनाना चाहते हैं हम, क्रिटिक्स के लिए नहीं, हम अपने भक्तों के लिए, जो कि आज जो मंदिर बने हुए हैं जगह जगह उनको पूजा जा रहा है, हमारे मरने के बाद भी उनके दुख दूर होता है, हमारा मकसद कुछ और है। अगर आप अपने आपको इसलिए भगवान को कभी कभी लगते हैं कि अपन ही भगवान है। स्वैग वाले बाबा मेरे, स्वैग वाले बाबा, स्वैग वाले बाबा मेरे, स्वैग वाले बाबा। तो इस वीडियो पर काम स्टार्ट करने से पहले मैंने बहुत सोचा, क्या मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। जब से मैंने अपना चैनल शुरू करा है, मेरा एक ही सपना है कि एक दिन मैं बाबाओं पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। पर क्या मुझे सच में ये वीडियो बनानी चाहिए? फिर मैंने सोचा, सारे तो बाबा जेल में बैठे हैं, की फर्क पड़ता है। अब इंडिया में ना तुम्हें प्रकार प्रकार के बाबा मिलेंगे, बूढ़े बाबा, नागिन बाबा, नाचने वाले बाबा, थोड़े और नाचने वाले बाबा, साइंटिस्ट बाबा, थोड़े से और नाचने वाले बाबा, और हगने वाले बाबा, आई मीन हग देने वाले बाबा। ये श्रद्धा का कौन सा रंग हो सकता है? की फीलिंग्स, की फीलिंग्स है। ये बंदा गारंटी के साथ इंजीनियर होगा, पूरी जिंदगी कोई मिली नहीं तो इसने सोचा बाबा बन के, यू नो, सही कह लिया यार। मस्ट यू थिंक व्हाट यू से, कंट्रोल योर लैंग्वेज, आई एम नॉट यार। मेरा संकल्प होता है वो देर सवेर भगवान फलीभूत करते, मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है सच में। हाय ला आसाराम बापू, आप तो ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बहुत बड़े स्वामी है, शक्तिमान है, बुद्धिमान है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ क्या पुरुष ही नहीं। तिहाड़ जेल में जाने का भी जाएंगे। तो अगर आसाराम बापू को जेल जाने से पहले पता था कि वो जेल जाने वाले हैं, इसका मतलब आसाराम बापू तो सच में भगवान है। अब ये जो बाबा है ना, ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। अब तुम पूछोगे क्यों? बिकॉज थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा, बिकॉज थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा। किसी दुखी भक्त को देख के बाबा की तीसरी आंख खुल जाती है और फिर बाबा ऐसे ऐसे सॉल्यूशन बताते हैं। प्रणाम बाबा जी। भाई कहाँ से आप आए? पुणे से आए हो बाबा जी? भाई ये विस्की की बोतल, वो भी जॉनी वॉकर की क्यों आ रही है सामने वाले? क्योंकि बाबा जी तुम्हारा पीने का मन कर रहा है इसलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबा जी के दरबार में आने वाले लोगों की, आई मीन खरीदे हुए एक्टर्स, पेड एक्टर्स, दस दस रुपए में उठाए हुए लोगों की। अब इनकी एक्टिंग देख के तुम्हारी अच्छी खासी हैप्पी लाइफ भी सैड हो जाएगी। इतना दुख, इतना दुख। चरण प्रणाम निर्मल बाबा जी, कभी कभी सब्जी बनाती हूँ बाबू जी उसकी। प्रणाम। हाँ जी, कहाँ से आप आए?
बैंगलोर से जाना है बाबा जी, बुकिंग किया है सितंबर में। बाबा जी मैं 2011 से आपसे जुड़ी हूँ और आपसे जुड़ने के बाद मैं एक गरीब औरत थी और आज आपने मुझे लखपति बना दिया बाबा जी। मैं बहुत 18 साल से दुखी थी, बहुत दिन रात रोती थी बाबा जी, बहुत दुखी थी बाबा, दिन रात आंसू गिरते थे बाबा जी। बाबा आपकी ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि बाबा हमारी कृपा होगी नहीं तो बाबा हम बहुत दुखी होंगे। बाबा जी मैं बहुत दुखी थी, बाबा जी मैं बहुत दुखी था, बाबा जी मेरे को प्रेशर नहीं आता था, पर बाबा जी आपकी कृपा से मेरा आजमा ठीक हो गया। बाबा जी आई लव यू। बहुत दुखी हूँ बाबू, काम भी नहीं कुछ नहीं, ये बच्चा भी आपका दिया हुआ है बाबा। Don't tell me. ये बच्चा भी आपका दिया हुआ है बाबा। No. पागल हो गया। दाल में कुछ तो काला है मगर यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। तो अब आते हैं निर्मल बाबा के निराले निराले सॉल्यूशंस पे। तो निर्मल बाबा के सॉल्यूशंस डिपेंड करते हैं कि आज उनका क्या खाने पीने का मन कर रहा है। केले बहुत सामने आ रहे हैं, जलेबियाँ आपने कहाँ देखी, ये मक्खन बहुत आ रहा है, ये ढोकला डोसा बड़ा सामने आ रहा है, ये नान बड़ा सामने आ रहा है। और कभी कभी अगर बाबा का मूड थोड़ा सा नॉटी हो जाता है तो फिर सॉल्यूशन भी थोड़े से नॉटी हो जाते हैं। हुक्का क्यों हमारे सामने आ रहा है, बताओ आपने हाथी कब देखा है भाई, हाथी बहुत आ रहा है सामने, ये कैसीनो क्यों आ रहा है हमारे सामने भाई, विस्की की बोतल। बस 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 बाबा हम धन्य हुए निर्मल बाबा की, सब जय। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले बाबा, आई मीन फीमेल बाबा, बाबा का फीमेल बाबी नहीं, फीमेल बाबा के बारे में। आई एम प्योर एंड पाइस। वो एक आम इंसान नहीं है तो फिर क्या है। राधे माँ तारे जमीन के मन 10 लाख का चोला पहनती है और राधे माँ जो पैसे लेती है सबसे। हाय ला लाइव टीवी पे कन्फेशन। आपके बारे में तरह तरह की बातें कहने लगी। हाँ कि राधे माँ 5 लाख मांगती है आने का, 50 लाख का मेकअप लगाती है, जबकि देख लो अब मैंने मेकअप कुछ नहीं लगाया हुआ। अगर दिस इज नो मेकअप देन आई डोंट नो व्हाट मेकअप इज, मतलब ये बिल्कुल मेकअप नहीं कर रखा है इन्होंने। ये बहुत ही गहरी लाल लिपस्टिक, ये बहुत बड़ा सा लाल कलर का टीका, ये चीक्स पे ये पिंक करने के लिए जो भी लगाया जाता है, मेरे को नाम नहीं पता बिकॉज आई एम नो मेकअप एक्सपर्ट। उसके बाद फाउंडेशन, ग्लिसरीन, हाथों पे नेल पॉलिश और भी ना कुछ पता नहीं क्या क्या भाई, पर नहीं नो मेकअप बिकॉज दिस इज राधे माँ। भगवान की इच्छा यही होगी, अभी मैंने 24,000 नहीं छोड़ दिए, अभी मैं बड़ी तो पहले से थी। अब राधे माँ अपने साथ एक भक्त को हमेशा लेके चलती है एज अ विजिटिंग कार्ड के कभी भी प्रूफ देना पड़ सकता है। ये हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है कि हम माता रानी के चरणों में गए, हमने अपने प्रार्थना रखी, हमारे काम हो गए, तो हमारे लिए वो देवता तुल्य है, देवी तुल्य है, ये हमारे भक्तों की आस्था है। बस चल जाओ। क्या इतना बुरा बेचारे बूढ़े अंकल की कोई इज्जत ही नहीं, मतलब काम हो गया तो चलो। प्लीज मुझे 100 करोड़ दे दो। अरे राधे माँ ऐसे सरे आप पैसे मांग रही, मतलब कंट्रोल। अरे एक चीज मेरे को याद है, मैं बताना भूल गया, अगर तुम अभी लाइक वाले बटन को दबाते हो तो तुम पे बाबा जी की कृपा बरसेगी, तो लाइक वाले बटन को दबाओ। अगली वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके वीडियो शेष। अच्छा एरा एदेर के मानुष विश्वास करा टाका दे, बांग्लादेश किछु किछु आछे आमि नाम बोलतेछि ना किन्तु तारा माने दाबी करे एमन जे अल्लाह माफ करो अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, एदेर साथे नाकि सरासरि कानेक्ट आछे। আমি আর এরা ধরে কারে জানেন, এরা ধরে হইল ওই বড় লোক করে ধরে যাদের কাছে টাকা আছে, যাদেরকে বিশ্বাস, ওই বিশ্বাসটা যদি আমি অর্জন করতে পারি তাহলে আমার 10টা লোক কিছু বলতে পারবো না। আর ওই বোকার ওইগুলি বিছেই যায়। তো এই বাবাগুলো থেকে সাবধান থাকবেন।
প্লিজ প্লিজ এই বাবাগুলো সাবধান থাকবেন, আল্লাহরে বিশ্বাস করবেন, সেই সবকিছু সমাধান করতে পারে, আর কেউ পারবো না। এই বাবারা নিজের তাই তো জবাব দিতে দিতে অবস্থা খারাপ দেবো, আপনার কি জবাব নিব। এমনও মানে শুনছি আমি যে নামাজ পড়া লাগে না, ওই তাদের বাবা কিংবা মা ওই নামাজ পড়ে দিব, তাদের নিজেদের নামাজ পড়তে হবে না, মানে উনি উনাদের সবকিছু পার করে দিব। আহে করতে এইসব। তারপরে দিনে টিভিতে দেখতেছি বাংলাদেশে এক মহিলা বলতেছে যে তার নাকি দুটা লাঞ্চ নেই, বাবা এই সবকিছু করছে, বাবা তারে বিয়ে দিছে, বাবার কারণেই তার তিনটা বাচ্চা, এখন সে এমনি করে আমি ফিট। এইসব বাবা থেকে সাবধান থাকবেন। আজকে এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম, বাই।